आदरणीय मोदी जी, अमित भाई शाह, देवेंद्र जी फडणवीस, चंद्रशेखर जी बावनकुळे, विनोद जी तावड़े, रावसाहेब जी दानवे, इन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो एक छोटी कार्यकर्ती हूँ, सामान्य कार्यकर्ती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास जता के मैं इस विश्वास को कभी फेल नहीं जाने देंगे और सार्थ करेंगे विश्वास। और अभी ये जो इलेक्शन है उनमें सब नागरिक का भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने 10 साल से बहुत मुझे प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया और इनकी वजह से आज मुझे ये सम्मान मिला है। का सिटिंग एमएलए भी हूँ, पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ, मैं इस चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूँ और ये दो बार चुनाव जीतने के बाद अब तीसरा चुनाव भी वहां की जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से जरूर जीतूंगा और सेवा का व्रत आगे भी बढ़ाऊंगा। और जहां तक विनोद शिलार की बात है, मूल स्वयंसेवक, 30 साल से पार्टी का काम करने वाला एक कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता को भी मौका मलाड से मिला है तो उसके भी जीत का रास्ता इसी समय पर खुलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मुंबई की जो अधिकतर सीटें हैं वो उसका ऐलान हो गया है, कुछ सीटें और बाकी है, उसका ऐलान कब तक होने की उम्मीद है? बहुत जल्द हो जाएगी, जिस प्रकार की चर्चा और निर्णय की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में है बहुत जल्दी उसी वहां की भी टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। लिस्ट की बात करें तो जो अधिकतर जो मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो जीत सकता है, जो जनता की सेवा करता है, जो प्रामाणिकता से अपना जीवन जीता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, जो मुंबई कर की बात करता है, उसको टिकट मिला है। और जो 99 उम्मीदवार जो घोषित किए गए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? सभी अच्छे उम्मीदवार है, सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पहली याद में आपका नाम आया, क्या भाव? मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और हमारे प्रदेश के जो हमारे नेता है देवेंद्र जी फडणवीस सर, प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले साहब, हमारे चंद्रकांत दादा, मुरली अण्णा मोहोळ, गिरीश भाऊ महाजन, पंकजाताई मुंडे, रावसाहेब दानवे पाटिल, ये सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि मेरी उम्मीदवारी इन्होंने पहले ही यादी में डिक्लेयर की। 2014 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहां से 412 से उम्मीदवारी दी थी। वो एक 24 तारीख को महायुति टूटने के बाद थोड़े कम दिन मिले थे प्रचार के लिए, मुझे 10-12 दिन मिले थे। उस टाइम यहां के लोगों ने 60,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते मुझे दिए और शिवसेना से 20,000 ज्यादा, शिवसेना को से 40,000 मिले, भारतीय जनता पार्टी को मुझे 60,000 मिले। 2019 में फिर से युति हो गई, भारी उम्मीदवार श्री प्रदीप शर्मा जी यहां खड़े थे, उसको भी 1,06,000 वोट यहां से मिले। 24 में मैंने तैयारी की है, लोकसभा में एनडीए को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सवरा जी को 71,000 वोटों का लीड ये नालासोपारा विधानसभा से मिला है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहां की जनता परिवर्तन चाहती है, यहां का जनता को विकास है और वो विकास यहां ट्रिपल इंजन सरकार जिसको कहते हैं कि सांसद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार और यहां नालासोपारा विधानसभा से अगर महायुति का उम्मीदवार चुन के जाता है तो अच्छा निधि, अच्छा विकास इस नालासोपारा विधायक का क्षेत्र का हो सकता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैंने पिछले 5 साल में जो कुछ कार्य किया है जनता के हित के लिए और उस कारण पार्टी ने मुझ पर विश्वास डाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी का ये विश्वास, इस पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो विश्वास पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर डाला है वो निश्चित ही 5 साल काम करने के लिए मेरे को शक्ति देगा। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल पहले मैंने जो उम्मीदवारी मिली और चुनाव जीता, 5 साल में मैंने जो जो करने का प्रयास किया वो ईमानदारी से करने का प्रयास किया, उसमें मैं सफल भी रहा, जनता भी खुश रही और आने वाले 5 सालों में निश्चित ही जनता जो जो मैंने जो रिएक्शन थी 15 साल की वो रिएक्शन, मेरा परिचय नहीं था, अनेक लोग नए आए, अनेक लोग बाहर से आए और ज़्यादा मेरे से उनका परिचित नया चेहरा मेरा नहीं था, क्योंकि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो दक्षिण नागपुर था वो डिलिमिटेशन के बाद कुछ दक्षिण पश्चिम में गया और कुछ दक्षिण में आ गया, कुछ पूर्व में आ गया, तो इस कारण वो कॉन्स्टिट्यूंसी एकदम अलग सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और निश्चित ही आने वाले चुनाव में मैं 100% विजयी हूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के भरोसे और जनता के भरोसे मेरे नैया निश्चित
किनारे लग जाएगी। सबसे प्रथम तो मैं हमारे सर्वोच्च नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जगत प्रसाद नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित भाई शाह, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे और हमारे सांसद पीयूष गोयल जी का मैं हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पर एक विश्वास रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के भरोसे पार्टी ने ये जो मेरे ऊपर भरोसा रखा है वो शत प्रतिशत उसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा और 20 नवंबर को मतदान के बाद सबसे ज्यादा लीड से कांदिवली पूर्व विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी और मैं चुन के आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।